हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के इस वीडियो में हम आज आप तक यूपी पुलिस एग्जाम 2018 की आंसर की ला रहे हैं। हम आप तक 18 जून फर्स्ट शिफ्ट यानी मॉर्निंग शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट 19 जून मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, चारों की आंसर की आप तक लाएंगे। इसके लिए मैंने चार वीडियो बना रखा है। आज ये पहला वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ और इसके बाद 2 घंटे बाद कल सुबह दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा, दोपहर तक तीसरा और शाम तक चौथा, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बनाया हूँ एक भी बहुत रिसर्च करके बनाया है, पूरा चेक करके, कहीं कोई गलत ना हो जाए, इसलिए बड़ी देर लग रहा है। तो आप टेंशन मान लीजिए, मैं एक करके एक वीडियो आप तक लाऊंगा और आप अपना आंसर की अच्छे से मिला से। आई होप वो 99% जो मेरा आंसर की है एकदम करेक्ट है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर मिस्टेक हो सकते हैं तो उसके लिए सॉरी, और 99% सही है। तो आप अपने क्वेश्चन मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए हमको कि कितना आपके नंबर आ रहे हैं और कितना अटेम्प्ट किए थे, कितना गलत हैं, और जिससे कि मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लाऊंगा तो उससे पता चल जाए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। इसके लिए अगर अभी तक अभी हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एग्जाम फॉर्म अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब यूपी पुलिस एग्जाम आंसर की दूसरा और तीसरा वीडियो लाऊंगा तो आपका मिस नहीं होगा, जिससे कि आप अपने आंसर आसानी से मिला सकते हैं। चलिए अब आप देखते हैं आंसर की, ये वीडियो, ये जो पेपर आया था इस पेपर की मैं आंसर की आप तक ला रहा हूँ। अगर आप ये पेपर दिए हैं तो आप अपना आंसर की मिलाइए और देखिए कि कितना गलत है और कितना मैंने अटेम्प्ट किया था। उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि मैंने इतने सारे अटेम्प्ट किए थे, ये मेरी कैटेगरी थी और इतने रांग हुए। तीन चीज़ें आपको लिखना है, कैटेगरी, कितने अटेम्प्ट किए, कितने रांग हुए, जिससे कि मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता सकूंगा। तो पहला क्वेश्चन आया था मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, सही ऑप्शन है डी यानी कि वाराणसी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में, ये सही आंसर वही है जिसमें मैंने एक रेक्टेंगल बना रखा है, वो सही आंसर है, आप मिला लीजिए अपने पेपर से। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। दूसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन डी है, कन्नौज। अगला क्वेश्चन है किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन डी यानी कि भूटान है। अगला क्वेश्चन है 2017 में कजुआ इस ग्रोह को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसका राइट ऑप्शन डी यानी कि साहित्य में है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली सॉरी हाँ पाकिस्तानी सीनेट सॉरी पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन सी है, शेरी रहमान। आप अपने मिलाते जाइए, कागज़ पे लिखते रहिए जिससे कि आपको गड़बड़ी ना हो। अगर आपको लगता कहीं जल्दी हो गया या छूट गया तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन सातवां, सीकर तकनीक की के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी, तो उत्तर हो जाएगा सी यानी कि ब्रह्मोस। फिर आठवां है भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी कितनी पार सीमा ट्रेन चलती, तो ऑप्शन हो जाएगा एक यानी कि बी ऑप्शन सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, हाल में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया, तो राइट ऑप्शन है इसका डी यानी कि कैम्ब्रिज एनालिटिका। अगला क्वेश्चन है 10वां, पंद्रहवीं रूस भारत और चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में कहाँ हुई, इसका राइट ऑप्शन डी है यानी कि नई दिल्ली में। फिर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन डी है, 12 का राइट ऑप्शन बी है, आप मिलाते जाइए, आप पेन और पेपर ले लीजिए, कागज पे लिखते रहिए, 12 का राइट ऑप्शन बी है। अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इस हिसाब से अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि हमको पूरा क्वेश्चन कवर करना है पेपर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 14, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा, किसके विरोध में लौटा दी थी, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार के, जो कि 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन डी है, उलर लेक। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन है डी यानी कि 2009, जो रेक्टेंगल बनाया है मैंने वो राइट ऑप्शन है, पेन से जो टिक लगा वो राइट ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं है, वो कैंडिडेट ने लगाया है जब एग्जाम दे रहा था, तो अब जो रेक्टेंगल वाला है वो मेरा राइट आंसर है, आप उसको मार्क कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन ए है उज्जैन, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन ए है खसरा एवं रुबेला, क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट ऑप्शन है सी है अलाहाबाद, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन बी है जूनागढ़, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन है डी यानी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर चौबीस है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधान मंडल नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि तमिलनाडु, तमिलनाडु में नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, भारत की संविधान सभा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन बी है यानी कि महावीरचार्य, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन है ए यानी कि वीरप्पा मोइली, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन है बी यानी कि गोरखपुर, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन है सी यानी कि फतेहपुर सिकरी। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, हिमालय की का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा डी माउंट कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। फिर अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। ये थोड़ा जो पीडीएफ है इधर मिस प्रिंट हो गया है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने क्वेश्चन सभी कवर किए हैं, तो आप क्वेश्चन नंबरिंग कर लीजिए, टेंशन मत लेना, सभी मैंने कवर किया है तो आप नंबरिंग करके लिख लीजिए। अब आ गया जो अगला क्वेश्चन सेट है हिंदी का, तो क्वेश्चन नंबर 47 में का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 48 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 54 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। पूछा बीर रस का स्थाई भाव क्या है, तो बीर रस का स्थाई भाव राइट ऑप्शन डी है। फिर क्वेश्चन नंबर 55 पूछा, दोहा का प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती, तो राइट ऑप्शन ए 11। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा, देशभक्ति में समास कौन सा है, तो राइट ऑप्शन इसका सी है नहीं तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, का राइट ऑप्शन है डी यानी कि क्रिया वाक्य है, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन डी है यानी कि और, क्वेश्चन नंबर 51 का राइट ऑप्शन सी है यानी कि एक, दूध का धुला होना एक मुहावरा पूछा गया, इसका राइट ऑप्शन ए है यानी कि निर्दोष होना। क्वेश्चन नंबर 53 इसका राइट ऑप्शन ए है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये लोकोपक्ति पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अब इधर देख लेते हैं राइट कॉलम में, क्वेश्चन नंबर 56 में इसने पूछा कौन सा शब्द अलंकार का में है, तो इसका राइट ऑप्शन डी यानी कि यमक है। फिर क्वेश्चन नंबर 57 का राइट ऑप्शन सी यानी कि सा है, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट ऑप्शन ए है यानी कि का, तथा आंसर हो जाएगा का। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट ऑप्शन है डी यानी कि रचना, क्वेश्चन नंबर 60 का राइट ऑप्शन है बी यानी कि राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, 61 का राइट ऑप्शन है सी यानी कि प्राण, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट ऑप्शन है ए यानी कि कर्ता, क्वेश्चन नंबर 63 का राइट ऑप्शन है बी यानी कि आप, क्वेश्चन नंबर 64 का राइट ऑप्शन है बी यानी कि बुढ़ापा, क्वेश्चन नंबर 65 का राइट ऑप्शन है बी यानी कि बोलना, क्वेश्चन नंबर 66 का राइट ऑप्शन है सी यानी कि संदिग्ध वर्तमान। अब ये क्वेश्चन 67 से 71 आ गया है, इसमें पूछा गया है एक जो ये फ्रेज यानी कि कंप्रिहेंशन पैराग्राफ दिया गया, उसमें से आपको क्वेश्चन करना था, तो मैं कंप्रिहेंशन तो पढ़ूंगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया, इसलिए आप सिर्फ क्वेश्चन मिलाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 67 यानी का राइट ऑप्शन बी यानी कि खेलों को गिरता स्तर, खेलों का गिरता स्तर, क्वेश्चन नंबर 68 का राइट ऑप्शन है डी यानी कि खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, क्वेश्चन नंबर 69 का राइट ऑप्शन है सी आपसी गुटबंदी होने से, क्वेश्चन नंबर 70 का राइट ऑप्शन है खेल। फिर क्वेश्चन नंबर 71 का राइट ऑप्शन है सी यानी कि दोषपूर्ण नीतियाँ, क्वेश्चन नंबर 72 का राइट ऑप्शन है, इसमें पूछा बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह, यह शायद सभी को पता होगा और आप सही भी किए होंगे कि इसका राइट ऑप्शन ए होगा, बट शायद कैंडिडेट ने गलत किया है, सूरदास लगाया, लेकिन आपको मार्क करना है ए यानी कि कबीर। क्वेश्चन नंबर 73 यानी 73 का राइट ऑप्शन है अंधे नगरी नाटक के रचयिता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन, आपका ए भी नहीं गलत हुआ होगा शायद, आई होप। क्वेश्चन नंबर 74 कामायनी की रचनाकार, ये राइट ऑप्शन ए यानी कि जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गोदान किसका उपन्यास है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि प्रेमचंद्र। अब हम न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं, आप अपना चेक कर लीजिए, इसका पूछा है 76 का राइट ऑप्शन है इसमें बी, 77 का राइट ऑप्शन है ए, 78 का राइट ऑप्शन है सी, ये फिर है 79 का राइट ऑप्शन है सी, 78 का सॉरी 80 यानी कि 80 का राइट ऑप्शन है ए,
81 का राइट ऑप्शन है बी, और 82 का राइट ऑप्शन है सी यानी कि 15, 83 का राइट ऑप्शन है डी यानी कि 8, 84 का राइट ऑप्शन है सी यानी कि क्यू, 85 का राइट ऑप्शन है सी यानी कि 8, 86 का राइट ऑप्शन है आई। इसमें क्रमागत में 29वां अक्षर पूछा उसका तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि आई। क्वेश्चन 87 का राइट ऑप्शन है डी यानी कि 5, क्वेश्चन 88 यानी का राइट ऑप्शन है ए यानी कि पश्चिम, और क्वेश्चन 89 का राइट ऑप्शन है ए यानी कि पूर्व, क्वेश्चन 90 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्वेश्चन 91 का राइट ऑप्शन है सी, और क्वेश्चन 92 का राइट ऑप्शन है डी, क्वेश्चन 93 का राइट ऑप्शन है सी, क्वेश्चन 94 का राइट ऑप्शन है ए, क्वेश्चन 95 का राइट ऑप्शन है ए, क्वेश्चन 96 का राइट ऑप्शन है बी, क्वेश्चन 97 का राइट ऑप्शन है सी यानी कि 6, क्वेश्चन 98 का राइट ऑप्शन है डी यानी कि 120, क्वेश्चन 99 यानी कि 99 का राइट ऑप्शन है बी यानी कि 6, क्वेश्चन 100, क्वेश्चन नंबर 100 का राइट ऑप्शन है बी यानी कि 72, क्वेश्चन नंबर 101 का राइट ऑप्शन है सी यानी कि 4.2, क्वेश्चन नंबर 102 यानी कि 102 का राइट ऑप्शन है ए यानी कि 350 रुपये, 103 का राइट ऑप्शन है सी यानी कि 150 रुपये, 104 का राइट ऑप्शन है डी यानी कि 300 रुपये, 105 का राइट ऑप्शन है बी यानी कि 294 रुपये। अगला क्वेश्चन है 106 का राइट ऑप्शन है सी यानी कि 8, क्वेश्चन 107 का राइट ऑप्शन है डी यानी कि 45, क्वेश्चन 108 का राइट ऑप्शन है ए, और क्वेश्चन 9 का राइट ऑप्शन है सी यानी कि 25 सेकेंड, क्वेश्चन 110 का राइट ऑप्शन है ए, क्वेश्चन 111 का राइट ऑप्शन है बी, क्वेश्चन 12 का राइट ऑप्शन है सी, और क्वेश्चन 113 का राइट ऑप्शन है सी। अब आ गया है अगला पोर्शन, मेंटल एप्टीट्यूड आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी। अब हम रीजनिंग एबिलिटी मिलाएंगे, आप अपने पेन और पेपर लेकर लिखते रहिए क्वेश्चन नंबर के साथ, उसके बाद आप मिलाइएगा कि आपका कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ, कितना अटेम्प्ट किए। फिर क्वेश्चन नंबर 114 का राइट ऑप्शन है डी यानी कि एकड़, क्वेश्चन नंबर 115 का राइट ऑप्शन ए यानी कि सामाजिक विज्ञान में भौतिकी, क्वेश्चन नंबर 116 का राइट ऑप्शन है डी यानी कि केक, क्वेश्चन नंबर 117 का राइट ऑप्शन है ए, क्वेश्चन नंबर 118 का राइट ऑप्शन है ए, क्वेश्चन नंबर 119 का राइट ऑप्शन है सॉरी इसमें हाँ आगे बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 119 का राइट ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 120 का राइट ऑप्शन है ए, 119 शायद मिस हो गया, अभी हम देख के आपको बता दे रहे हैं जहाँ मैंने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 120 का राइट ऑप्शन है ए, क्वेश्चन नंबर 121 का राइट ऑप्शन है डी, क्वेश्चन नंबर 122 का राइट ऑप्शन है बी, क्वेश्चन नंबर 123 का राइट ऑप्शन है सी, क्वेश्चन नंबर 124 का राइट ऑप्शन ए भी शायद मिस हो गया, अभी मैं जहाँ से सॉल्व किया हूँ आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 125 का राइट ऑप्शन है ए, क्वेश्चन नंबर 126 का राइट ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 127 का राइट ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 128 का राइट ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 129 का राइट ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 130 का राइट ऑप्शन सी यानी कि 56। ये सीरीज था, आपको सॉल्व करना है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी यानी कि 56। फिर क्वेश्चन नंबर 131 इसमें पूछा गया जिस प्रकार से चिकित्सक रोगी से रिलेटेड, उसी प्रकार वकील किससे रिलेटेड, अभियोक्ता, तो क्वेश्चन नंबर 131 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 132 का राइट ऑप्शन है डी यानी कि 8, क्वेश्चन नंबर 133 का राइट ऑप्शन है सी यानी कि 49, क्वेश्चन नंबर 134 का राइट ऑप्शन है डी, क्वेश्चन नंबर 135 का राइट ऑप्शन है सी, क्वेश्चन नंबर 136 का राइट ऑप्शन है बी, क्वेश्चन नंबर 137 का राइट ऑप्शन है बी यानी कि एच डी यू डब्ल्यू के, क्वेश्चन नंबर 138 का राइट ऑप्शन है ए यानी कि नानी, क्वेश्चन नंबर 139 का राइट ऑप्शन ए यानी कि भाई, क्वेश्चन नंबर 140 का राइट ऑप्शन है सी यानी कि बहन, क्वेश्चन नंबर 141 का राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 142 का राइट ऑप्शन है डी, क्वेश्चन नंबर 143 का राइट ऑप्शन है ए, क्वेश्चन नंबर 144 का राइट ऑप्शन है ए, क्वेश्चन नंबर 145 का राइट ऑप्शन है सी, क्वेश्चन नंबर 146 का राइट ऑप्शन है इसका डी यानी कि डी ऑप्शन में आएगा, क्वेश्चन नंबर 147 का राइट ऑप्शन है बी, क्वेश्चन नंबर 148 का राइट ऑप्शन है बी, क्वेश्चन नंबर 149 का राइट ऑप्शन है सी, क्वेश्चन नंबर 150 का राइट ऑप्शन है सी। इस प्रकार से मैंने पूरा आपका आंसर की बता दिया, इसमें 99% क्वेश्चन आपका जो ऑफिशियल आंसर किया आएगा उससे मैच करेगा, तो आप मिला लीजिए और हमको बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने किए हैं, आपका कैटेगरी कितना और आपके गलत कितने हुए हैं, जिससे कि मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक नया वीडियो आप तक ला सकूंगा।
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मेरा कैटेगरी सर कितना है, मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे और कितना गलत हुआ। ये मेरा था फर्स्ट वीडियो, इसके बाद मैं 3 वीडियो और लाऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे, अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं अगला जब दूसरा तीसरा चौथा वीडियो लाऊंगा आंसर की का दूसरे शिफ्टों के, तो आपका मिस नहीं होगा। तो आप एग्जाम फॉर्म अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं कल सुबह, दोपहर में और शाम तक और जो बाकी के 3 शिफ्ट बचे हैं उन सबका भी आंसर की अपलोड कर दूंगा। अगर आपका ये शिफ्ट नहीं था, अगर आपके दोस्त का था, तो आप अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि आपका कितना हुआ, अटेम्प्ट कितना हुआ किए थे, कितना गलत है कितना सही, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।